खास मेहमान हमारे साथ सैनी साहब जुड़ चुके हैं, विभाग के सामने बातों को रखते हैं और बातचीत करेंगे कि किस तरीके से सरकार जो जो भी फैसला ला रही है, जो भी निर्णय लेकर आ रही है, उस पर सरकार को पीछे ही हटना पड़ रहा है। बैक टू बैक तीन फैसलों को जो है पीछे हटना पड़ा है। सरसल आपका स्वागत है, कैसे आप देख पा रहे हैं सैनी साहब, सरकार ने इतने बड़े दावेदारी करने वाली सरकार, इतनी मजबूती इरादे वाली सरकार, और बैक टू बैक तीन ऐसे फैसले लिए और तीनों पर बैकफुट पर जाना पड़ा, क्या चक्कर क्या है? देखिए, बैकफुट पर जाना तो पड़ेगा ही, समस्या क्या है, जब हम लंबे समय से सरकार को देख रहे थे तो सरकार अभी तक क्या कर रही थी, लोगों को भटकाने का काम कर रही थी, लोगों को भ्रम में डालने का काम कर रही थी, लोगों को अलग अलग तरीके से ठगने का काम कर रही थी। सरकार का ये काम नहीं होता है, सरकार का काम होता है जनता के लिए नीतियां बनाना, जनता के जनहित की नीतियाँ बनाना। आज जो चीज़ें आप देख रहे हैं, सरकार बैकफुट पर आ रही है, सरकार बैकफुट पर नहीं आ रही है, जनता मजबूत हो रही है, जनता का जनादेश मजबूत हो रहा है। और आपको क्या लग रहा है कि बैकफुट पर ऐसे ही आ गई सरकार? सरकार तब तक बैकफुट पर नहीं आती है जब तक सरकार की पूंछ पे पैर नहीं रखा जाता, और पूंछ पे पैर किसानों ने रखा था। सबसे पहला जो बिल वापस किया था, जो किसान बिल वापस किया था सरकार ने, उस वक्त जब किसानों ने पूंछ पे पैर रखा था, तो उस दिन किसानों की ने पहला बिल वापस करवा के सरकार को ये बता दिया था कि ये मोदी सरकार वापस जा सकती है। अच्छा, आप अभी कैसे देख पा रहे हैं कि सदन चला, सदन के अंदर में सरकार बनते ही पहला ही बिल लेकर आई सरकार, और उसमें भी जो है वक्फ बोर्ड संशोधन वाला मामला जो था उसमें पीछे हटना पड़ा, आपने ये खबर सुना तो कैसा लगा? देखिए, वक्फ बोर्ड संशोधन की जो आप बात कर रहे हैं, आज सरकार ये कहना चाहती है कि हम तो केवल एक ही पक्ष की वोट लेके बने हैं, ऐसा तो है ही नहीं है। ये देश जो है सबका है, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका खून इसमें शामिल है, और किसी एक पक्ष की वोट लेकर के आप सत्ता नहीं चला सकते। और जब आप किसी एक पक्ष को शिकार बनाने का प्रयास करते हो, एक पक्ष के ऊपर अत्याचार करने का प्रयास करते हो, आप तो उसे कहते हो कि नहीं, हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, हम जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा था, ऐसे मुस्लिमों को भी अलग अलग प्रलोभन दिए गए कि हम आपको ये लाभ देंगे, ये फ़ायदा देंगे, ये बेनिफिट देंगे। लेकिन आज की तारीख के अंदर देश के मुसलमान भाई, देश के हिंदू भाई, देश के सिख भाई, सभी लोग जाग चुके हैं। जब भी कोई बिल आता है तो इमीजिएटली लोग पहले आराम से बैठ जाते थे कि शायद मोदी जी पे विश्वास किया जा सकता है और ये बिल हमारे हित में होगा। आज जब उस बिल को पढ़ा जाता है, इमीजिएटली लोग उसके ऊपर इंटेलेक्चुअल लोग बैठ के डिबेट करते हैं, उसको पढ़ते हैं, और उसमें जो छुपी हुई साजिश होती है उसको बेनकाब किया जाता है। इसके बाद ये बिल जो है विरोध होता है, उसके बाद ये बिल वापस होता है। पहले जब भी सरकार लाती थी तो डंके के चोट पर जब पास भी हो जाता था, चर्चाएं भी चलती थी बेशक, लेकिन जो कहते थे वो कर देते थे। अब वो कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है, वजह क्या मानते हैं? देखिए, इसकी वजह तो किसान आंदोलन है, जिन किसानों ने ये बता दिया, जब पूर्ण बहुमत भी था ना तो भी बिल वापस लेना पड़ गया था आपको, जब आपको उस वक्त में बिल वापस लेना पड़ गया। और आज की तारीख के अंदर तो सरकार ऑलरेडी जिसे कहते हैं कि बैसाखियों के सहारे है, और अगर आज सरकार इस तरीके से चलेगी और जनता रोड पर उतर आई तो क्या, पंजाबी में एक कहावत है, बिल्ली चाहे दूध का पतीला पी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब छत पे चढ़ के और अपनी मूछें हिलाती है ना तो नहीं बर्दाश्त की जाती है। भारत की जनता है, दूध पी जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम अगर अपनी दादागिरी दिखाओगे, बदमाशी दिखाओगे, तो ये देश की जनता आपको बख्शेगी नहीं, ये ध्यान रखना। चलिए, अभी फिलहाल बैक टू बैक जो है एक के बाद एक सरकार को जो है सभी निर्णयों को जो है जो फैसले लिए हैं उन सबको पीछे हटना पड़ रहा है। आप लेटरल एंट्री वाले मसले को आप कैसे देख पा रहे हैं, जिस पर फिलहाल अभी सरकार को बहुत हाल ही में पीछे हटना पड़ा? देखिए, लेटरल एंट्री वाले मुद्दे पे मैंने पहले दिन स्टैंड किया था, क्लियर किया था, मेरे फेसबुक पेज से भी किया था कि लेटरल एंट्री के थ्रू उस सिस्टम तक घुसाने की तैयारी चल रही है, क्योंकि जिस तरह इस बार 400 का नारा दिया गया और वो बुरी तरह पिट गया, और मैं वाराणसी में चुनाव में था, आपने देखा होगा कि वहाँ के जो डीएम थे किस हद तक धांधली की गई, वो धांधली पूरे देश में की जा सके, वो धांधली हर स्तर पे की जा सके, वो धांधली जो देश में बचे हुए संस्थान है उनको दोबारा से किसी प्राइवेट हाथों में बेचा जा सके, देश की दलाली में उनका प्रयोग किया जा सके, वो सब चीज़ें करने के लिए लेटरल एंट्री का नाम दिया गया था। अगर वहाँ काबिल लोग जाते तो क्या आज एग्ज़ाम के थ्रू काबिल लोग नहीं जाते? क्या आपको आज के जो देश के आईएएस ऑफिसर है, आईएफएस ऑफिसर है, जितना ऑफिसर डिपार्टमेंट है, क्या उस पर कोई शक है उनकी काबिलियत के ऊपर? हमें तो शक नहीं है, आपको क्यों शक है? आप क्यों सिस्टम बदलना चाहते हैं? आपकी नीयत में खोट है, स्पष्ट आपकी नीयत में खोट है। लेकिन जो है जो लेटरल एंट्री लाया गया, जैसे ही उस पर बताया गया कि नोटिफिकेशन जारी हो गया है,
और इस पर विपक्ष के तमाम नेताओं ने घेरना शुरू कर दिया। इसमें एक चीज़ का बड़ा एक तर्क दिया गया कि इससे जो है ओबीसी समाज, एससी समाज, एसटी समाज के लोगों को आरक्षण का जो है कहीं ना कहीं छीनने की कोशिश की जा रही है इस पूरे मसले पे। आप इसको कहते हैं हकीकत कितना है? देखिए बिल्कुल सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर सरकार सचमुच में आरक्षण को प्रोटेक्ट करके चलना चाहती है तो सरकार को एक आदेश जारी करना चाहिए, जितनी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं वहाँ पर भी रिजर्वेशन का बेनिफिट उन लोगों को मिलना चाहिए। हमारे देश का दलित जो आज सही मायने में दो वक्त की रोटी नहीं कमा के खा पा रहा, जो आज की तारीख के अंदर भी शोषण का शिकार हो रहा है, जो आज की तारीख के अंदर भी अलग अलग स्तर पे जिसे कह सकते हैं कि उसको क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है, विरोध झेलना पड़ता है, घोड़ी पे वो नहीं बैठ सकता, बेटी की हत्या हो जाती है उसके लिए कोई जाँच नहीं होती है, तो ये सब चीज़ें क्या हैं? अभी जो बाबा साहब ने जिस उद्देश्य के साथ में आरक्षण दिया था, जिस जो ये प्रोविज़न दिया गया था वो इसलिए था कि उस समाज को ऊपर उठाया जा सके। अगर आप उस समाज को उठाने की बात ही नहीं कर सकते हैं, अगर आप उस समाज को आगे लेकर के जाना ही नहीं चाहते हैं तो क्या करेंगे आप? ये तो उनके जो शंकाएँ, जो उनकी मंशा है वो बाहर आ गई है। अच्छा, आपको क्यों लगता ऐसा, मतलब आपको कैसा लगता है कि जिस तरीके से सरकार कोई निर्णय लेती है और उसको फिर सरकार को पीछे हटना पड़ रहा है, क्या सरकार के अंदर वो पावर नहीं रह गई है, ताकत नहीं रह गई है, क्या सत्ता जाने का डर लग रहा है, क्यों सरकार जो है पीछे हट रही है बार बार? देखिए सत्ता जाने का डर तो सच में है, कारण ये कि मौजूदा सरकार जिस हिसाब से सत्ता में पहुँची है और जिस हिसाब से तानाशाही की है, और ये जब सत्ता जाती दिखती है ना तो डर और बड़ा हो जाता है। तानाशाही सत्ता जाने के डर के अंदर वो सब कुछ भी करता है, सबको मना तो लिए हैं, जितने इनके घटक दल हैं, सहयोगी दल हैं, सबको मना लिए, तो बिल वापस लेने के बाद मनाया ना, बिल वापस लेने से पहले क्या बात हो रही थी? तब तो सब कुछ लाकर, नोटिफिकेशन लाकर सब कुछ कर दिया गया, लेकिन बिल वापस लाने के बाद ही तो सब कुछ मनाया गया ना, क्योंकि सरकार जाने का डर है। और अभी तो देखते जाइए, अभी जुम्मा समा कितना हुआ है, अभी तो गिनती के दिन हुए सरकार बने हुए, ये लूली लंगड़ी बैसाखियों पर चलने वाली सरकार है। और ये मुझे लग रहा है कि आज की तारीख के अंदर शायद, क्योंकि कांग्रेस तो इतनी मजबूत नहीं है, तो ऐसे समय के अंदर ये सरकार जो इस हिसाब से जनादेश जनता ने दिया है, मुझे लगता है कि कुछ समय तक ऐसा जब जनादेश रहेगा तो एक मजबूत सरकार आने वाले समय के अंदर जनता जरूर चुनेगी और कुछ नए चेहरों को संसद में भेजा जाएगा, कुछ युवा चेहरों को सरकार में भेजा जाएगा जो देश के लिए स्ट्रिक्ट निर्णय लेंगे, अच्छी पॉलिसीज लेकर आएंगे। अच्छा देखिए, पहले बार जब बिल लेकर के आए उसमें भी इनके घटक दलों ने जो है आपत्ति जताई, उसके बाद जो है भी ये लेटरल एंट्री वाला मामला लेकर के आए उसमें भी जो है इनके घटक दलों ने आपत्ति जताई, यहाँ तक कि जो अपने आप को हनुमान बताते थे वो भी आपत्ति जताते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है कि इनके घटक दल के बीच में ही आपसी तालमेल नहीं बन पा रहा जिसकी वजह से ये सरकार को निर्णय लेना पड़ रहा? देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी यही बात बोली थी, पहले जो भी चीज़ मोदी जी लाते थे हम लोग भी आँख बंद करके स्वीकार कर लेते थे। भाई 2014 में तो मोदी जी के समर्थक हम भी रहे हैं, हमने भी वोट दिया था, लेकिन आज की स्थिति क्या है, हम तो 2016-17 में जाग गए कि जो बोला जाता है वो होता नहीं है, आपको जो बोला जाएगा इसका उलट होने वाला है। केवल फायदा पहुंचाने के लिए कुछ उद्योगपति मित्रों को, कुछ बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुँचाने के लिए हर चीज़ का उपयोग किया जाता है। आज की तारीख के अंदर जो नीति अंग्रेजों के द्वारा अपनाई जाती थी, फूट डालो और शासन करो की नीति, हर जगह वही नीति तो अपनाई जा रही है, लेकिन आज की तारीख में लोग समझदार हो चुके हैं, लोग हर चीज़ के चीज़ों को पहले स्टडी करते हैं, बिल्कुल जब स्टडी करते हैं विरोध उसके बाद होता है, पहले विरोध नहीं होता, पहले बिल्कुल स्टडी किया जाता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ सैनी साहब जुड़ रहे हैं जिनसे हम खासा बातचीत कर रहे थे। देखिए तो 12 से 15 दिन के अंदर ही महज जो है सरकार को लगभग 3 ऐसे बड़े फैसले लेने पड़े और तीनों फैसले पे जो है बैक टू बैक जो है उनको हटना पड़ा, यानी पीछे हटना पड़ा। तमाम ऐसा सवाल है उन्हीं चीज़ों का हम लोग जिक्र कर रहे थे। फिलहाल सैनी साहब की बातों को लेकर के आपके मन में क्या कुछ चल रहा है वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए सुनिए, धन्यवाद।